गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 15 को करेंगे आर्य समाज के नियम। बेटा, आर्य समाज के 10 नियम हैं और हमारे यहाँ पर बुक के अंदर 7वें से 10वें नियम तक को बताया गया है। प्यारे बच्चों, हमारा जो 7वां नियम है आर्य समाज का, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। देखो, नियम से ही पता लगता है कि सबसे पहले तो हमें सबसे हर किसी से, हर व्यक्ति से प्यार, प्रीतिपूर्वक प्यार से परिपूर्ण, और जो हमारा व्यवहार है वो धर्म अनुसार भी होना चाहिए और फिर यथा योग्य भी होना चाहिए। यदि अब देखो इसकी व्याख्या क्या कहता है हमारी बुक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ किस प्रकार होना चाहिए इस नियम के अंदर बताया गया है। क्या नियम है? सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। हमारा व्यवहार समाज के अन्य लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। प्रीतिपूर्वक का अर्थ यहां पर प्यार से परिपूर्ण। ये नहीं कि अगला व्यक्ति जो बात करे हम उसका जो जवाब है, हम उसका जो आंसर है गुस्से से दे ना, हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। देखो अगली लाइन के अंदर इसका आंसर भी आया कि हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, किसी के साथ कड़वा कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का यह अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता या नीचता का व्यवहार करता है उसके साथ भी हम वही प्रीति अपनाएं। यहां पर ये नियम और कुछ कहता है। अब यहां ये कहता है कि जो अपने मित्र के साथ निभा रहे हो यह धर्म के विरुद्ध है, इसलिए हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म अनुसार भी होना चाहिए। अर्थात क्या है धर्म अनुसार का मीनिंग यहां पर आगे अब आपकी नैतिक शिक्षा के अंदर बताया जा रहा है कि व्यवहार करके शत्रु नीच या नीच को रास्ते पर हम ला सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां पर आगे एक और बात कही है। बेटा देखो, प्रीतिपूर्वक प्यार से बात करो, धर्मानुसार उसको रास्ते पर लाने की कोशिश करो, फिर नहीं है फिर यथा योग्य, फिर जैसा वो व्यवहार करता है वैसा ही उसको व्यवहार हमें निभाना चाहिए। हमें उससे बदला तो नहीं लेना चाहिए परंतु कुछ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि उसके व्यवहार करना चाहिए कि उसको हानि ना और उसके आत्म में सुधार हो जाए। लेकिन फिर भी, लेकिन इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारे व्यवहार के अंदर कटुता नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो। बेटा धर्म के अनुकूल ठीक है, अब इसलिए हमारा व्यवहार यथा योग्य भी होना चाहिए। उसके बाद देखो बेटा क्या कहा, सभी से एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। अब जैसे पाकिस्तान हमारी सीमा पर हमारे लोगों को मार रहा है तो क्या हमें भी उससे प्रीतिपूर्वक बात करनी चाहिए क्या? एक बार उसको वार्निंग दी, नहीं मानना, फिर धर्मानुसार उसको समझाया, नहीं माना, फिर यथा योग्य, यथा योग्य, फिर जब मार रहा है तो हमें भी उसको उड़ाना पड़ेगा। यही चीज बेटा यहां पर कही है। सबसे पहले हर व्यक्ति से अच्छे ढंग से बात करो। यदि कोई आपसे शत्रुता करता है उसके धर्म के अनुसार उससे बात करके उसके रास्ते पर लाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं बात करता है तो उससे फिर यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। ये आपका 7वां नियम कहता है। अब ये देखो लास्ट लाइन भी कह दिया कि हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। बेटा ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि अविद्या, अविद्या का अर्थ यहां पर होता है अंधकार, जिसको आप ठीक ठाक न जान सके। विद्या का अर्थ किसी भी वस्तु का यथा ठीक ठाक ज्ञान होना, और इसके विपरीत उसका ज्ञान ना होना अविद्या कहते हैं। जैसे आप सुबह अंधेरे के अंदर जा रहे हो और रास्ते में आपको रस्सी मिल गई और आपने उसको सांप समझ लिया, वो गलत है, वो अविद्या है। अब प्रकाश आने से अविद्या दूर हो जाएगी।
रस्सी को हमने सांप समझना, झूठ को सत समझना, अपने को पराया समझना, यह अविद्या है, अज्ञान है। अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना अविद्या है। आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, जो पहले हमारे देश के अंदर किसी औरत का पति मर जाता था तो उसको विधवा बोलते थे, तो उसका विवाह नहीं होता था, तो स्वामी दयानंद जी ने विधवा विवाह को, मतलब कि ये भी एक कुरीति थी, उसको दूर करने की कोशिश किया। छुआछात कि ये अच्छा है बुरा है, ये मुझसे छोटा है, मैं इससे खाना नहीं खाऊंगा, इसके साथ बैठूंगा नहीं। बाल विवाह, कई बार पहले समय के अंदर बच्चों के विवाह कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आदि को समाप्त करने के लिए आर्य समाज ने बहुत प्रयास किया। यही अंधविश्वास है बेटा। अंधविश्वास और अज्ञानता को समाप्त करने के लिए विद्या की वृद्धि समझे, विद्या की वृद्धि संभव है, क्योंकि ज्ञान होगा तभी हम अंधविश्वास को दूर कर पाएंगे। और हम तो साइंस के युग के अंदर रहते हैं बेटा, यह है युग स्वतंत्रता और जनतंत्र का युग है। स्वतंत्रता इट मीन्स क्या, फ्री। जनतंत्र, जन की भावना, इसको अर्थशास्त्र के अंदर एक और मतलब के पॉइंट दिया जाता है, ग्राहक का समय। अब व्यक्ति की मतलब की अभिव्यक्ति की समानता, वह उसका आदर करना, दोनों के लिए शिक्षा और विद्या आवश्यक है। अब बेटा यदि अंधकार को दूर करोगे तो आपको प्रकाश का दीपक जगाना ही पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अविद्या कभी ना दूर हुई ना दूर होगी, अंधकार ना कभी दूर हुआ ना दूर होगा, बात सिर्फ इसकी है कि आपको एक प्रकाश का दीपक जगा लो, आप अच्छा काम कर लो, आप आज से सच बोलने का प्रण ले लो, झूठ अपने आप दूर हो जाएगा। आप अपने आप अच्छा काम कर लो, बुरा काम अपने आप दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आप अच्छा काम करो, विद्या का ग्रहण करो, अविद्या अपने आप खत्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों, नौवां नियम है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बढ़ते चले जाओ और दूसरे को नीचे गिराते चले जाओ। जैसे आप क्लास में बैठे हो, एक बच्चा आप दूसरे बच्चे से पूछता है आप मुझे भी सम करा दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप उसको सिखा दिया तो वो आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, विद्या एक ऐसा दान है बेटा जो बढ़ने से बढ़ेगा। इसी प्रकार हमें अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमने आसपास को भी ऊपर उठाना चाहिए। इस नियम में सभी मनुष्यों को, विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह केवल अपनी उन्नति में संतोष न करें, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके आसपास रहने वाला, कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति समान रूप से उन्नति कर रहा है या नहीं। यही चीज इसके अंदर बताई गई है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा सकता है कि हमें कोई कार्य करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इस कार्य से हमारे आसपास रहने वाले या अन्य लोगों पर इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, कि आप जो कार्य कर रहे हो क्या उसका आस पड़ोस पर कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है। यदि आपको लगता है कि गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसको छोड़ दो बेटा। और हमारे कार्यों के साथ साथ क्या दूसरे लोगों की उन्नति हो रही है, तो हमें ऐसा कार्य कर लेना चाहिए। अब यहां पर यह इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है, उन्नति कितने प्रकार की होती है। उन्नति शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आत्मिक उन्नति होती है बेटा। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की, देखो बेटा फिर वही बात कही, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक। शारीरिक, आप स्वस्थ हों, क्योंकि स्वस्थ होंगे तभी आप अर्थ कमा पाओगे, पैसा कमा पाओगे। यदि आप मतलब कि ऊंचा उठ रहे हो तो आपके आसपास पड़ोस वाले भी ऊंचा उठने चाहिए। यदि आप ऊंचा उठ रहे हो तो आपका गली मोहल्ला सामाजिक भी उन्नति करना चाहिए। यदि आप कोई धर्म कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर आस पड़ोस वाले बुलाते हैं ना प्यारे बच्चे, जब कोई आप धर्म कर्म करते हो सभी को इकट्ठा करते हो
तो धार्मिक और आत्मिक उन्नति भी होती है और इसमें बाधक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये सभी उन्नतियों के लिए कहा गया है, हमारी उन्नति समाज के लिए, देश के लिए, मानव मात्र के लिए अंग हो, तभी सच्चा और सुख मिलेगा। और मैं आपको मुख्य रूप से बात बता दूं कि हमें कोई हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए कुछ देर के लिए सोच दें कि क्या हम ये कार्य हमारे देश के लिए उपयुक्त है, तो आप उसको कर लो वरना छोड़ दो। तो इसका दसवां नियम जो है, सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में प्रतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। देखो बेटा कितनी सुंदर बात कही, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में प्रतंत्र रहो, लेकिन जहां पर आपको हितकारी लगे, जहां आपको आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको ये लगे कि ये सभी के लिए उपयोगी है, वहां पर आप फ्री हो, वहां पर आप कभी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस नियम के अंदर ये बताया गया है। इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए और किस अवस्था में उस क्षेत्र में या उसे काम करते समय अपनी इच्छा को एक ओर रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक राष्ट्रीय नियमों का आचरण करना चाहिए। आप देखो व्यवस्था को ध्यान में रखते, अब इसको देखो एग्जाम्पल द्वारा बता रहा है, समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने हैं, जैसे खिलाड़ी को खेल के मैदान में, विद्यार्थी को विद्यालय में, सिपाही को युद्ध के मैदान में, कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आप किसी सर्वहितकारी कार्य के धन का दान दे सकते हो बेटा, तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि जैसे किसी औषधालय के लिए धन देना, विद्यालय के लिए धन का दान करना, अनाथालय के लिए धन का दान करना, संस्था को दान करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन फिर यहां पर परंतु देशद्रोहियों को सहायता करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो, ठीक है ना। जो शत्रु हमारे देश का ही नुकसान चाहता है वहां पर आप असमर्थ हो, जिन कार्यों से दूसरों का अहित नहीं हो वहां पर हम स्वतंत्र रहें, मतलब कि हमारा नुकसान ना हो किसी कार्य करने से, वहां पर आप फ्री हो बेटा। लेकिन जिस कारण से हमारे देश का, हमारे समाज का, आपके पड़ोस का, आपके मोहल्ले का नुकसान होने की आपको आशंका है, वहां पर आप स्वतंत्र नहीं हैं। यही ये दसवां नियम बताता है। हमें समाज अथवा राष्ट्र के नियमों के अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। आर्य समाज के दस नियमों में विदित होता है कि आर्य समाज उदार तथा सबकी भलाई चाहने वालों का समाज है। वास्तव में ये नियम केवल आर्य समाज के लिए नहीं अपितु मानव मात्र के लिए है। तो मानव अब इंसानों के लिए, जानवर के लिए थोड़ी है, अच्छा काम इंसान ही करेगा। तो प्यारे बच्चों, तो इसके पहले पार्ट में मैंने आपको चैप्टर को पढ़ाया है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसके प्रश्न उत्तरों की वीडियो आपको दूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम वीक के अंदर सिर्फ एक चैप्टर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और सुन रहा है, हम वीक के अंदर एक चैप्टर कर रहे हैं, तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि 7 दिन के अंदर आप एक चैप्टर तैयार कर सको और फिर आपको एग्जाम के अंदर तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब डीएस को हम आसान विषय मानकर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में ये मुश्किल होती है और सबसे ज्यादा फेल डीएस के अंदर ही होते हैं। और फिर अध्यापक पर बात आ जाती है कि क्या अध्यापक ने इतना भी नहीं कराया कि बच्चा पास हो सके। बेटा अध्यापक ने तो अपना काम कर दिया, अब आपने इन 7 दिनों के अंदर इस चैप्टर को कम से कम 2 या 3 टाइम रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं, बस इतना ही आपके लिए होमवर्क होता है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।